आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ एकदम बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट दिखाऊंगा जो कि बल्ब से एकदम अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और इनके फ्लावर अगर आप एक बार आपके गार्डन में खिल जाते हैं तो कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा ही इसके फ्लावर आपके गार्डन में बने रहते हैं। और ये प्लांट जो हैं बल्ब वाले काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर इसे आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं खुद से। तो आप इन प्लांट को ज़रूर लगाएं जिन्हें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहले नंबर पे ये सामने स्क्रीन पे आपको फ़ोटो भी दिख रहा होगा, मेरे इसमें प्लांट में अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है। बरसात में इसे आप ज़रूर ग्रो करें। ये फुटबॉल लिली का है, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। और ये 6 इंच के छोटे से पॉट में मैं इसे लगाया हूँ और ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी प्लांट है। तो आप इसे नर्सरी पे काफ़ी ये महंगा प्लांट मिलता है तो इसे आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको कहीं से भी इसकी छोटा से इसका बल्ब मिल जाए तो वो भी ले लें। और दूसरे नंबर पे देखिए काफ़ी खूबसूरत ये स्पाइडर लिली जो कि बरसात में खिलता है। ये देखिए इसकी लीफ काफ़ी खूबसूरत है, इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें। इसके नीचे प्याज की तरह ट्यूबर रहता है, उससे ये काफ़ी अच्छा ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें। और ये जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं इनमें फ्लावरिंग अगर नहीं रहती है तो इसकी लीफ देखिए काफ़ी खूबसूरत इसी तरीके से लगती है, तो इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें। और ये इसे तो आप देख के पहचान गए होंगे, ये घास की तरह जो दिख रही है ये एक्चुअली घास नहीं है, ये रैन लिली है। रैन लिली बरसात में बहुत ज़्यादा खिलती है इसीलिए इसका नाम ही रैन लिली है। तो रैन लिली को भी आप इस समय लगाएंगे तो काफ़ी खूबसूरती से ये आपके गार्डन में पूरे एकदम फ्लावर को अपनी बिखेर देगी। तो इसमें भी आप देखिए मेरे फ्लावरिंग हुई थी कुछ, अब कुछ होने वाली भी है इसमें फ्लावरिंग, देखिए नई नई इसमें बड भी आने वाली हैं। तो इसे भी आप एकदम आसानी से ग्रो कर लीजिए अपने गार्डन में। और आप इस समय रजनीगंधा को भी, ये देखिए ये छोटा सा आपको नीचे प्लांट दिख रहा होगा, स्क्रीन पे फ़ोटो भी आ रहा होगा, ये रजनीगंधा का इसमें मेरे फ्लावरिंग हुई थी, इसे मैं ज़मीन में लगा दिया। ये भी काफ़ी आसानी से इसका जो लहसुन आप घर में खाते हैं उसी के तरीके से इसमें बल्ब रहता है, तो इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें। ये भी काफ़ी एकदम बहुत फ्रेग्रेंट वाला प्लांट होता है, ये आपके पूरे घर में एकदम खुशबू एकदम बिखेर देगा, तो इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें। और ये लास्ट में सबसे खूबसूरत प्लांट ये एमेरेलिस लिली का है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है। इसमें मई जून में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, इस समय भी इसमें फ्लावरिंग हो जाए। इसका बल्ब आपको कहीं से भी मिले आप इसे ज़रूर लगाइए और ये सारे प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए।